हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जो साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी सिविल की वैकेंसी निकाली गई थी। आवेदन हो गया था और बार के द्वारा एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और जो 4,000 कुछ स्टूडेंट को एलिजिबल किया गया है, तो सारे का क्या इंटरव्यू होगा या फिर कोई एग्जाम होगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, मैं पहले आपको दिखाता हूँ जो बार के द्वारा एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। स्टूडेंट का इसमें नेम है, वो अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी स्टार्ट कर दे। दोस्तों, मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, इसमें जो टोटल कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं, वो आपके 4,939 स्टूडेंट एलिजिबल। दोस्तों, मैं बता दूं, जो इसमें टोटल वैकेंसी थी, वो आपकी टोटल 8 वैकेंसी थी। 8 वैकेंसी के बिहाफ में 4,939 स्टूडेंट एलिजिबल किए गए हैं। दोस्तों, इसमें जो चयन का माध्यम था, आपका इंटरव्यू था। दोस्तों, इसमें जो आपका चयन का माध्यम है, वो आपका इंटरव्यू है। दोस्तों, 4,939 स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना इतना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, आपका जो नोटिफिकेशन में एक पॉइंट भी दिया गया है कि ये लोग स्क्रीनिंग करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग जो होगा वो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। दोस्तों, ये लोग एक क्वालिफाइड नेचर का रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। दोस्तों, ये जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, सारे का रिटर्न एग्जाम होगा, वो भी आपका, जैसे कि आज रिटर्न एग्जाम हुआ तो आपका कल इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो आपका बॉम्बे में होगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो थी बॉम्बे ट्रांबे बार्क सेंटर के लिए है। दोस्तों, इसमें जो आपका जो सारी चयन प्रक्रिया होंगी, वो आपकी बॉम्बे में होंगी। आपका स्क्रीनिंग रिटर्न का जो सिलेबस है, वो आपका नॉर्मल सिलेबस आएगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल आपका बेसिक लेवल होगा। अगर आप हल्की भी अपनी तैयारी करेंगे तो आपका स्क्रीनिंग निकल जाएगा। दोस्तों, इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है, वो आपका इंटरव्यू है। दोस्तों, इंटरव्यू में मैंने जो जानकारी ली है, प्रीवियस स्टूडेंट जो दे के आया था, इंटरव्यू इसका काफ़ी टफ रहता है, काफ़ी आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जो भी डिप्लोमा के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे RCC, सर्वे, सॉयल और फ्लूइड मैकेनिक्स, और जो भी इम्पॉर्टेंट 10-11 सब्जेक्ट हैं, सारे का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, इसमें बेसिक से हायर लेवल तक आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल भी देंगे और सॉल्व भी करा सकते हैं, जैसे सोम या फिर स्ट्रक्चर या फिर RCC का कोई न्यूमेरिकल देंगे, वो आपका ऑन लाइव सॉल्व कराएंगे। उसके आधार पर आपका जो चयन है वो इंटरव्यू के बेस पर ही होगा। दोस्तों, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो केवल स्क्रीनिंग होगा। उसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहते हैं, जैसे 45%, 40%, उतने ही आपको लाने होंगे। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। दोस्तों, ये जो पूरा जो प्रक्रिया है, वो आपका 3 दिन में हो जाएगा। आपका एक दिन रिटर्न हो जाएगा, एक दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। दोस्तों, जो रिटर्न का रिजल्ट है, वो आपका सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा। और दोस्तों, इसका जो इंटरव्यू है और रिटर्न एग्जाम कब होगा, दोस्तों अभी इस पर कोई भी अपडेट नहीं आई है। आप लोग बार की मेन साइट को विजिट करते रहिए, जो भी आएगा मेन साइट पे आएगा या फिर आपके मेल के माध्यम से आपका कॉल लेटर आएगा। और दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। मुझे आशा है कि आपके इस वैकेंसी से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।